एपिसोड की स्टार्टिंग में सिंचन और सीरो मस्त पार्क में खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है अपने पप्पी के साथ और उसका पप्पी बात कर सकता है। फिर वो उसका पप्पी कहता है, देखो वो दोनों कितने अजीब तरीके से खेल रहे हैं, चलो हम लोग उनके पास जाते हैं और उनको सही तरीके से खेलना सिखाते हैं। फिर वो लोग सिंचन के पास जाते हैं। सिंचन कहता है, मेरा नाम है स्नोस्के नोहारा, मेरी उम्र 5 साल है। वो पप्पी कहता है, आपसे मिलके अच्छा लगा। सिंचन कहता है, अरे ये पप्पी तो बात कर सकता है। अरे पप्पी मेरी बात सुनो, क्या तुम इंग्लिश भाषा भी बोल सकते हो? फिर वहाँ पे एक अजीब सी बॉल दिखाई जाती है, लेकिन वो लोग अभी भी पार्क में खेल रहे होते हैं। सिंचन कहता है, एक बात बोलूँ दीदी, आपका पप्पी तो मेरे सिरों से बहुत ही बेकार है, वो तो एक डिस्क भी नहीं पकड़ सकता। फिर वो बॉल चटकने लगती है और वो जगह हिलने लगती है, वो सब लोग डर जाते हैं। वो बॉल बाहर निकलती है और उसके अंदर से निकलता है एक बहुत ही बड़ा पिगी मॉन्स्टर, जिसको देख के वो लोग डर जाते हैं। फिर वो लड़की सिंचन से छिपने को कहती है, फिर वो पिग वहाँ पे आ जाता है। सीरो सिंचन की चड्डी पकड़ के उसको झाड़ियों में पटक देता है ताकि वो उस मॉन्स्टर से बच जाए। फिर वो लड़की अपने असली रूप में आती है और वो लोग एक मिरर निकालते हैं और वो पप्पी एक सुपर गर्ल बन जाती है। सिंचन कहता है, अरे वाह ये पप्पी तो एक लड़की बन गई। उसके बाद वो दूसरी लड़की भी मिरर निकालती है और वो भी एक सुपर गर्ल बन जाती है। सिंचन कहता है, अरे वाह हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए, वो पिग इनके ऊपर हमला कर रहा है। फिर सिंचन बाहर निकलता है और उस मॉन्स्टर पिग को चैलेंज करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर पिग सिंचन के पीछे पड़ जाता है और वो दोनों भागने लगते हैं। फिर वो दोनों सुपर गर्ल्स वहाँ पे आती हैं और सिंचन और सीरो को अपना मिरर दे देती हैं। फिर सिंचन उस मिरर को एक डॉगी की तरह कैच करता है। फिर सीरो उस मिरर को खोलता है और एक सुपर गर्ल बन जाता है। फिर सिंचन भी उस मिरर को खोलता है और वो भी एक सुपर गर्ल बन जाता है। वो दोनों सुपर गर्ल सिंचन से कहती हैं, तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की लग रही हो। सिंचन कहता है, अरे मेरी तारीफ के लिए शुक्रिया। फिर वो मॉन्स्टर उन लोगों की बातों से थक के वहाँ पे आराम से रेस्ट कर रहा होता है। सिंचन कहता है, चलो अब हम इस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। उसके बाद एक सुपर गर्ल कहती है, नहीं नहीं हमें इस मॉन्स्टर को हराना नहीं है, असलियत में वो एक बहुत ही मासूम बच्चा है जो एक भयानक सा मॉन्स्टर बन गया है, हमें उसको वापस से अपने असली रूप में लाना है। तभी सीरो को एक डिस्क दिखती है और वो उसको सिंचन की तरफ फेंकता है। वो पिगी भी उस डिस्क की तरफ खिंचा चला जाता है और वो लोग उस पिगी के साथ खेलने लग जाते हैं। उस पिगी को भी उनके साथ खेलते हुए मजा आने लगता है। फिर वो लोग एक दूसरे को डिस्क पास करके खेलते हैं। तभी सिंचन हवा में उछलता है और उस पिगी मॉन्स्टर को किस कर देता है, जिस वजह से उस पिगी मॉन्स्टर को कुछ होता है और वो हार जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर उस पिगी मॉन्स्टर का ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से निकलता है बुरी बुरी जाइमोन। कहता है, मैंने तुम लोगों को बचाया, इसके लिए मुझे 100 मिलियन पे करो। फिर वो लड़की ये कहती है, नहीं हमने तुम्हें बचाया है इसलिए तुम्हें हमें 100 मिलियन देने होंगे। ये सुनकर बुरी जाइमोन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, अरे मुझे याद आया किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है, मुझे उसको बचाने के लिए जाना होगा। फिर बुरी जाइमोन वहाँ से गायब हो जाता है। वो दोनों सुपर गर्ल्स भी अपने असली रूप में आ जाती हैं और कहती हैं, मुझे तुम्हारे साथ खेल के बहुत ही मज़ा आया सिंचन, तुम्हारा डॉगी भी बिल्कुल मेरे पप्पी की तरह इंटरेस्टिंग है। फिर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।